नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एरोडन थाना क्षेत्र में रहने वाले पुलिसकर्मी धर्मेंद्र यादव के परिवार को गुंडों की हरकतों से परेशान होकर डर के साए में जीना पड़ रहा है। धर्मेंद्र यादव, जिनकी वर्तमान में ड्यूटी शुजालपुर में है और वह अपने परिवार के साथ शुभम नगर में निवास करते हैं, उनके परिवार में उनकी बुजुर्ग, बीमार माँ, पत्नी और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें, घटना बीती रात की है, जब रात करीब 12:40 पर मोहल्ले में रहने वाले दो युवकों में उमेश और संतोष गरगड़े ने पटाखे फोड़ना शुरू किया। जब यादव के परिवार ने इन युवकों को ऐसा करने से रोका तो उन दोनों ने न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि यादव समाज और मुख्यमंत्री मोहन यादव तक के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। धर्मेंद्र यादव के परिवार का कहना है कि उनके पहले भी एरोड्रम थाने में इन युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज भी करा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होने के चलते यह लोग अब और भी बेखौफ हो गए हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें गाली गलौज की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, जिन्हें आप सुन सकते हैं। देखिए, एक वीडियो डेफिनेटली सोशल मीडिया में हमारे संज्ञान में आया है, जिसके अंदर पटाखे चलाने को लेके दो पड़ोसियों में आपसी विवाद प्राइमाफिसी देख के समझ में आ रहा है। उसमें कुछ डेफिनेटली अपशब्द भाषाओं का उपयोग है, तो हमारे द्वारा इसमें जो भी कंसर्न व्यक्ति है जिसके द्वारा ऐसा किया गया, उसके प्रति जो भी वैधानिक कार्रवाई हो डेफिनेटली की जाएगी और हम उसको तुरंत ही राउंड अप कर लेंगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।